हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोनिक आइस एकेडमी। आज हम लोग देखने वाले हैं, ये ओशनोग्राफी का सेकंड लास्ट टॉपिक है। हम लोग देखने वाले हैं ओशन डिपॉजिट्स के बारे में। तो ये मतलब स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं कि ये टॉपिक है जिसका आपको कहीं बुक में भी सही से आपको मिलेगा नहीं, और बुक पढ़ के समझ में नहीं आएगा। इसलिए पहले अगर आप लोग ये वीडियो करना चाहते ये टॉपिक तैयार करना चाहते हैं ना, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। क्योंकि इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि सविंदर सिंह बुक में भी और भी जो बुक में जो लिखा हुआ है ना, बहुत ही क्लियर नहीं है, बहुत ही कन्फ्यूजिंग लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा सा मैं बहुत ही मेहनत किया हूँ सविंदर सिंह का, मतलब मैं पूरा पढ़ा हूँ ऑनलाइन वाइलाइन, इसको मैं देखा हूँ और भी मतलब ऑनलाइन सोर्स से मैं देखा हूँ इसको। तो मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। और ये एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, और उसमें वर्टिकल पैटर्न पूछा था डिस्ट्रीब्यूशन, इस बार हो सके हॉरिजॉन्टल पूछ ले या कुछ और पूछ ले। तो ये थोड़ा सा इसको अटेम्प्ट करना थोड़ा ट्रिकी होगा। और नंबर स्कोरिंग है ये, मतलब इसमें डायग्राम वगैरह है स्कोर, मतलब कि बहुत लोग स्कोर नहीं करेंगे, बहुत लोग अटेम्प्ट नहीं करेंगे ना। अटेम्प्ट करोगे तो नंबर इसमें मिलेगा। तो देखते हैं दोस्तों ये ओशन डिपॉजिट्स के बारे में। तो ओशन डिपॉजिट्स बेसिकली है क्या, क्या बोलता हूँ देखो, ओशन जो फ्लोर है ना, ओशन डिपॉजिट्स है क्या, ओशन जो फ्लोर है वो ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ, अब उसमें वो बिल्कुल बेयर है, उसमें कुछ है नहीं, अवेलेबल नहीं है। ओशन फ्लोर में भी ना बहुत सारा तरह का ना डिपॉजिट्स रहता ओशन का फ्लोर, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं ओशन डिपॉजिट्स बोलते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, या तो ये मेटालिक हो सकता है, ये बायोलॉजिकल सोर्स से जमा हो सकता है, या इसमें हाइड्रोलॉजिकल सोर्स से, या फिर मतलब कि वोल्केनिक एक्टिविटी होता है वहां से कुछ जमा हो जाए, ठीक है ना। या हमारा सी के थ्रू हमारा सेडिमेंट्स आ रहा है, वहाँ से हमारा सेडिमेंट से कुछ आके जमा हो जाए, या अलग अलग सोर्स से, या हमारा जो मेटियोराइट्स वगैरह होता है स्पेस में वो गिरता है ओशन में, तो वहाँ से मेटियोराइट से भी वहाँ से हमारा कुछ जमा हो जाए। तो अलग अलग तरीका से कुछ जो भी डिपॉजिट ओशन में होता है ना टाइम टू टाइम धीरे धीरे कर करके, उसको हम लोग ओशन डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। दूसरा देखते हैं कि सोर्स से पहले टाइप देखते हैं, कितने तरह का हमको टाइप हमको है। तो बिल्कुल इसका ना टाइप जो होता है ना, इसका अलग अलग ज्योग्राफर अलग अलग तरीका से इसको क्लासिफाई करने की कोशिश किए हैं। ओशन डिपॉजिट्स को जो हमको सरफेस पे, ओशन सरफेस पे जो पाया जाता है उसको, एक तो किए हैं मुर्रे, जो पढ़ाए थे क्या स्टैंडर्ड स्टील थ्योरी पढ़ाए थे, हाँ वहाँ पे पढ़ाए थे ना कोरल्स का स्टैंडर्ड स्टील थ्योरी मुर्रे का पढ़ाए थे, फिर मुर्रे भी क्लासिफाई करने की कोशिश किए हैं। और एक वहाँ पे साइंटिस्ट का नाम है जेनकिंस, ये भी इसको क्लासिफाई करने की कोशिश किए हैं। तो जेनकिंस का जो क्लासिफिकेशन है ना वो ओरिजिन के बेसिस पे है, कि जो डिपॉजिट्स है ना ओरिजिन के बेसिस पे है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, कि जो बन रहा है ना डिपॉजिट्स वो उसका ओरिजिन किया है, कहाँ से आया है। और मुर्रे का जो है ना ये लोकेशन के बेसिस पे है, समझते जाना अच्छे से कि कहाँ पे पाया जाता है। लोकेशन समझने से पहले थोड़ा सा हम ये बता देते हैं, बताए थे लेकिन फिर से बता देते हैं, कि जो कोई भी कॉन्टिनेंट होता है ना, कोई भी कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है ना, ऐसे समझो ओशन फ्लोर, हाँ ऐसे समझो कि यहाँ पे माल हमारा कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ठीक है, और यहाँ से हमारा वाटर चालू होता है, यहाँ से हमारा सी है, और ये हमारा क्या है कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, पढ़ाए थे, ठीक है ना। और ये हमारा यहाँ से कॉन्टिनेंटल सेल्फ खत्म हो जाता है, ये कॉन्टिनेंटल ब्रेक हमारा यहाँ, ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ कॉन्टिनेंटल ब्रेक है, कॉन्टिनेंटल स्लोप है ये, ठीक है ना, ये तो हमारा फिर फ्लोर है ना। तो कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे जो जोन होता है ना, ये जो पानी है ना यहाँ पे, इसको बोलते हैं नेरिटिक जोन, नेरिटिक जोन बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ के बाद जो पूरा होता है ना उसको पेलाजिक बोलते हैं, ये जो पूरा देख रहे हो ना इधर, ये पेलाजिक है। इसमें भी अलग अलग होता है, जैसे कि नेरेटिक जहां तक स्टार्ट हुआ ना, जनरली बताए थे कि नेरेटिक होता है जनरली 200 मीटर के डेप्थ तक, जनरली होता है सेल्फ हमारा 200 मीटर के डेप्थ तक सेल्फ होता है ना। तो यहाँ तक जो इसी के पैरेलल में जो हमारा ये जो होता है जोन होता है, इसको बोलते हैं इपीपेलाजिक, ठीक है। और उसके नीचे मतलब कि ये कहाँ तक जाएगा, 200 मीटर तक ही जाएगा ना ये, क्योंकि ये 200 मीटर तक है, 200 मीटर तक ही जाएगा ना। उसके नीचे फिर 1000 मीटर तक चले जाएंगे, उसके नीचे फिर अगर हम 1000 मीटर तक चले जाएंगे तो ये आएगा मीसोपेलाजिक, ठीक है। उसके नीचे फिर 4000 मीटर तक चले जाओगे तुम,
क्या आएगा, बैथीपेलेजिक, ये बैथीपेलेजिक है, बी ए टी एच वाई, बैथीपेलेजिक, ठीक है। और उसके नीचे जाओगे तो अभ्यासोपेलेजिक, अभ्यासोपेलेजिक। अब समझो ये तो अभ्यासल प्लेन है हमारा, अभ्यासल प्लेन ही है ना जी। हाँ। तो बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं ध्यान से समझो, समझ में नहीं आएगा। कॉन्टिनेंटल सेल्फ पे, कॉन्टिनेंटल सेल्फ के फ्लोर पे ऊपर जो भी वाटर है, जो जोन है, उसको बोलते हैं हम लोग नेरेटिक जोन बोलते हैं। उसके बाद में जो भी है उसको बोलते हैं पेलाजिक, पूरा को पेलाजिक बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से ये पूरा इधर का पेलाजिक हो गया जोन, लेकिन उसमें सबसे ऊपर वाला जो 200 से यहाँ से ऊपर से 200 तक जो है ना, उसको बोलते हैं ईपी पेलाजिक। इसका कोई फ्लोर नहीं होता है अपना, सुन देखो ना, इसका यहाँ से लेकर के ये तो फ्लोर इसी का आ गया, इसी का कोई, इसका कोई फ्लोर है कहाँ पे, ये फ्लोर तो है ही नहीं। कॉन्टिनेंटल ब्रेक है, कॉन्टिनेंटल ब्रेक से लेकर के जो होता है ना पूरा 200 से ऊपर पूरा, ये ईपी पेलाजिक, इसका कोई फ्लोर नहीं होता है अपना। उसके बाद 1000 मीटर तक जो होता है ना मीसोपेलाजिक होता है, इसका फ्लोर है, ये फ्लोर है ना इसका, ये फ्लोर पे ही जो पानी जो होगा ना पूरा ओशन में 200 से 1000 मीटर तक जहाँ भी पानी होगा ना, इसको बोलेंगे मीसोपेलाजिक बोलेंगे। और उसके बाद इसका भी फ्लोर है बैथोपेलाजिक, तो बैथोपेलाजिक 1000 से 4000, 4000 से नीचे चला जाएगा तो अभ्यासोपेलाजिक। अभ्यासल प्लेन यही तो है, अभ्यासल प्लेन। तो ये थोड़ा समझा दिया, इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि लोकेशन समझना जरूरी है। अब मुर्रे जो है लोकेशन के बेसिस पे क्लासिफाई किए हैं, तो दो तरह के क्लासिफाई किए हैं ये। एक तो बोलते हैं क्या, नेरेटिक डिपोजिट होता है, एक बोलते हैं कि नेरेटिक डिपोजिट होता है, और दूसरा बोलते हैं पेलाजिक डिपोजिट होता है। ये आप समझ में आएगा, ये कहते हैं मुर्रे जो कहते हैं लोग, मुर्रे कहते हैं कि जो हमारा ओशन डिपोजिट है उसको हम लोकेशन के बेसिस पर अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। कैसे, एक को बोलते हैं कि नेरेटिक डिपोजिट, या इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल डिपोजिट। टेरेस्ट्रियल डिपोजिट क्यों, क्योंकि टेरेस्ट्रियल से जो भी ऊपर से जो हमारे लैंड से जो भी आ रहा है ना सेडिमेंट्स वगैरह, वही तो डिपोजिट करता है यहाँ पे। तो जो डिपोजिट यहाँ पे होगा वो टेरिटोरियल होगा, टेरिटरी से हमारे लैंड से जो आ रहा है ना सेडिमेंट्स वगैरह, वही डिपोजिट होगा यहाँ पे। इसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल डिपोजिट या नेरेटिक डिपोजिट। इसको बोलते हैं पेलाजिक डिपोजिट। पेलाजिक मतलब क्या, ये पेलाजिक मतलब इसके बाद जो भी डिपोजिट होगा ना वो पेलाजिक डिपोजिट हो गया। तो बेसिकली ये दो कटोरी में डिवाइड कर दिए हैं, एक 200 मीटर से इधर का हो गया नेरेटिक डिपोजिट या टेरेस्ट्रियल डिपोजिट, इसके बाद इधर हो गया पेलाजिक डिपोजिट। ये बनाने से समझ में आ रहा है ना ये डायग्राम। अब जेनकिंस है, तो जेनकिंस क्या बोले हैं, ऑरिजिन के बेसिस पे बोले हैं। तो ये कहते हैं कि चार तरीका का हो सकता है। एक तो बोलते हैं टेरिटरी से भी आ सकता है, तो ये बोलते हैं कि टेरिटरी से आएगा ना, उसको लोकेशन के बेसिस पे नहीं, उसको बोलेंगे हम कि टेरिटरी से जेनरेट हो रहा है, टेरिटरी से आ रहा है, तो उसको बोलेंगे टेरिजीनस, टेरिजीनस डिपोजिट, ठीक है। दूसरा बोलते हैं कि ऐसा भी तो हो सकता है कि जो मैरीन में जो ऑर्गेनिजम्स वगैरह है वहां से भी तो कुछ जनरेट हो सकता है, कोई चीज मर रहे हैं, मतलब मैरीन में कोई ऐसा लाइफ फॉर्म्स होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो मरते हैं, तो वहां से तो डिपोजिट जमा होगा धीरे धीरे फ्लोर पे, तो वहां बोलते हैं कि बायोजीनस होगा, वो बायोजीनस डिपोजिट, ठीक है। टेरिजीनस बायोजीनस, और बोलते हैं अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजीनस भी तो हो सकता है, पानी से भी तो जम सकता है, जैसे पानी में साल्ट वगैरह होता है, तरह तरह के खनिज लवण साल्ट वगैरह होता है ना, तो वहां से जैसे कि हम पढ़ाए थे, जब याद करो हम पढ़ाए थे ओशन डीप, जब हम पढ़ा रहे थे साल्ट पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि वाटर का कंपोजिशन पढ़ा रहे थे, वहां बताए थे कि जो मेन जो होता है सोडियम क्लोराइड होता है, जिसको हम खाने में यूज करते हैं लोग टेबल साल्ट, और उसके अलावा और भी साल्ट होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड होता है, और भी साल्ट होता है अवेलेबल होता है, उसके साल्ट के अलावा भी और कंपोजिशन होता है, जैसे गोल्ड होता है, कॉपर होता है, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में हल्का अलग अलग तरह के चीज उसमें होता है, हल्का हल्का होता है ना, हल्का हल्का कॉपर वगैरह हल्का हल्का छोटा छोटा रहता है उसमें डिपोजिट रहता है, तो वहां से वाटर में जो आएगा वो आएगा तो हाइड्रोजीनस हो जाएगा ना। तो टेरिजीनस, बायोजीनस, हाइड्रोजीनस, चौथा, चौथा क्या, चौथा कॉस्मोजीनस, कॉस्मोजीनस यही तो, यही मेटियोराइट यही तो है कॉस्मोलॉजी, स्पेस के बारे में स्टडी करते हैं वही तो कॉस्मोलॉजी है, यहां से कॉस्मोजीनस माने कि जीनस माने कि जो जेनरेट हो रहा है, जेनेटिक्स क्या है इसका, बेन ओरिजिन कहां से हुआ, टेरिटरी से था टेरिजीनस, बायो से था बायोजीनस, हाइड्रो से था हाइड्रोजीनस, कॉस्मो से था कॉस्मोजीनस, टेरिजीनस, बायोजीनस, हाइड्रोजीनस, कॉस्मोजीनस, समझ रहा है। चार तरीका ये डिवाइड करते हैं, टेरिजीनस मतलब कहां, जो टेरिटरी से आ रहा है, बायोजीनस मतलब क्या, जो अति माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो आ रहा है, ऑर्गेनिज्म से जो आ रहा है, हाइड्रो मतलब क्या, जो वाटर से आ रहा है, और कॉस्मोजीनस क्या, जो कॉस्मोलॉजी मतलब स्पेस से जो आ रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा ना सोर्स सबका। ये हो गया टाइप। अब टाइप में समझते हैं, अब मतलब कि समझते हैं, हम सबसे धीरे धीरे करके समझते हैं,
ये तो इस हिसाब से हम लोग नहीं देखेंगे, हम इनको लेकर चलेंगे, जेंटिस को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड है, इसमें उतना ज्यादा डेप्थ नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ है, ये अलग अलग तोड़ करके हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो नेरेटिव में देखेंगे तो नेरेटिव में तो जानते तो टेरिजीनस आ जाएगा, तो टेरिजीनस अगर बोलेंगे कि मूर्ख के हिसाब से एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो टेरिजीनस को कर दो तुम, यहाँ पर नेरेटिव में एक्सप्लेन कर लेना, यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर एक्सप्लेन कर लेना, और बाकी जो होगा ना उसमें और भी चीज एक्सप्लेन कर देना धीरे धीरे, होगा ना, हो जाएगा। ये हम लोग लेके नहीं चलेंगे, हम लोग ये लेके चलेंगे एग्जाम में इतना 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 डेप्थ जाकर नहीं पूछेगा कि स्पेसिफिक पूछेगा कि जेनकिंस का क्लासिफिकेशन बताओ, ऐसे बताओ, नहीं बताओ, पूछेगा तो ये पूछेगा नहीं तो वो नहीं पूछेगा, अब वो पूछा तो लिखा जाएगा ना, टेरिटरी वाला उसको कर देंगे, बाकी सब अलग कर देंगे। तो हम लोग देखते हैं टेरिजीनस, हम लोग देखते हैं टेरिजीनस धीरे धीरे। तो टेरिजीनस में क्या होता है, टेरिजीनस में क्या होता है, टेरिजीनस डिपोजिट क्या है, टेरिजीनस डिपोजिट मतलब कि टेरिजीनस डिपोजिट में क्या है कि टेरिटरी से जो भी आ रहा है तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या क्या हो सकता है, ग्रेवल होगा, इसमें होगा ना ग्रेवल होगा, सैंड होगा, सील्ट होगा, क्ले होगा, मड होगा, यही सब तो होगा ना। मड में भी तीन तरीके का मड हो सकता है, इसमें कौन कौन सा हो सकता है, रेड मड हो सकता है, ठीक है, ब्लू मड हो सकता है, ग्रीन मड हो सकता है, तीन तरह का मड होता है, मतलब डिपोजिट्स में तीन तरह का मड होता है, तीन तरह का मड होता है, उसका कंपोजिशन अलग अलग होता है, क्योंकि मड है उसमें कौन सा मिनरल्स मिला होगा उसके हिसाब से कलर डिफाइन होगा ना, कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा उसमें, सॉरी, अगर उसमें मतलब आयरन ज्यादा है तो रेड हो जाएगा, ठीक है ना, अगर सल्फाइड ज्यादा इसमें जैसे आयरन ज्यादा है, आयरन आयरन कंपाउंड ज्यादा है तो ये हो जाएगा, सल्फर ज्यादा है तो ब्लू हो जाएगा, और ग्रीन कौन सा कलर देता है, जैसे कि पोटेशियम का कोई कंपाउंड अगर आ गया मान ले जाए तो ग्रीन मड दे देगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जो होता है अलग अलग कंपोजिशन का अलग अलग मड हो सकता है। तो टेरिजीनस में कुछ नहीं, बोल देंगे कि टेरिटरी से जो भी हमारा रिवर के थ्रू जो भी सेडिमेंट्स वगैरह डिपोजिट होता है हमारे नेरेटिक जोन में वो टेरिजीनस डिपोजिट बोलेंगे उसको, ये चीज हो सकता है। मड को बता देंगे कि रेड मड, ब्लू मड, ग्रीन मड होता है, तो रेड मड जो होता है ना बेसिकली ये जापान वाले रीजन में होता है, ब्राजील वाले रीजन में होता है ज्यादा, वहां के सी फ्लोर के आसपास में, क्योंकि देखा गया। अब देखो कहाँ से आयरन ज्यादा जा रहा है रिवर में, मतलब कि रिवर में कहाँ से सल्फर ज्यादा जा रहा है, या फिर कहाँ से तुमको मतलब कि पोटेशियम ज्यादा जा रहा है, ये तो तुमको मतलब कि ये सल्फर या सल्फाइड का कोई भी है ज्यादा कहाँ से जा रहा है, तो ये तुमको मतलब बेसिकली डिपेंड करेगा कि कहाँ पे ज्यादा पाया जाता है, वहां से रिवर फ्लो कर रहा है तो कौन सा किसको सी में मिला रहा है, कौन सा कंपोजिशन। तो देखा गया है कि जापान और ब्राजील के आसपास में ना ज्यादा मतलब कि रेड मड मिलता है, ठीक है ना, ये हम बताएंगे जब डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे तो फिर से बताएंगे, ये इंपॉर्टेंट है समझना, नहीं तो फिर गड़बड़ होगा। सल्फाइड वाला, सल्फाइड में ब्लू में देखा गया है ना कि जैसे कि देखा गया है कि जो भी बाल्टिक सी के आसपास है, बाल्टिक सी के या मेडिटेरेनियन सी में देखा गया है कि जो भी है ना ज्यादा सल्फाइड वाला मिलता है। पोटेशियम वाला देखा गया है कि अटलांटिक ओशन हो गया या पैसिफिक ओशन हो गया, ये सब में हमारा ज्यादा हमारा पोटेशियम वाला मिलता है, ठीक है ना। तो बस ऐसे ही बना के दिखा देंगे, जैसे लिख रहा है वैसे उसे लिख देंगे, हो गया ना टेरिजीनस। दूसरा क्या आता है, बायोजीनस में बताया कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रहेगा वहां से आएगा। तो बायोजीनस को बेसिकली क्या किया है ना कि फिर फर्दर जैसे कि बायोजीनस में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है कितना लेवल में है ये भी तो डिपेंड करता है। तो ऐसा हो सकता है ना कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किसी किसी में 40% से ज्यादा हो, किसी कहीं कहीं का ऐसा डिपोजिट्स हो जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 40% से ज्यादा हो। तो अगर 40% से ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम रहता है ना उसको ऊज बोलते हैं, ये जो डिपोजिट्स है ना उसको ऊज बोलते हैं। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डिपोजिट्स में 40% से ज्यादा हो, जैसे कि कोई भी चीज मर रहा है तो जैसे कि वो होता है ना कि अगर 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 कहीं पे कुछ मर रहा है तो वहां पे मतलब कि खाली वही नहीं होगा ना, मतलब दूसरा दूसरा चीज भी होगा, नहीं मतलब कि तो कितना है, नहीं वायु है, नहीं सुनो कहीं पे कहीं कुछ कुछ डेड हो रहा है तो वहां पे ऑर्गेनिक कंटेंट के अलावा इनऑर्गेनिक कंटेंट भी तो आएगा। तो अगर बायोजीनस डिपोजिट्स अगर कहीं बायोजीनस डिपोजिट्स है जहाँ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह अगर डेड हो रहा है वहाँ पे डिपोजिट हो रहा है सैंड में, वहाँ पे डिपोजिट हो रहा है ओशन फ्लोर पे, तो उसमें अगर ऑर्गेनिक कंटेंट अगर उसमें माने कि जो ऑर्गेनिक कंटेंट अगर है 40% से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे बायोजीनस बोलेंगे। ऑर्गेनिक अलावा इनऑर्गेनिक कंटेंट भी तो हो सकता है ना, लेकिन इसको नहीं ले रहे हैं, इसको ले रहे हैं सिर्फ ऑर्गेनिक कंटेंट अगर उसमें 40% से ज्यादा है ना तो हम उसको बोलेंगे कि ऊज बोलेंगे। बायोजीनस में तो उससे कम भी रहेगा तो भी चलेगा, 20% ऑर्गेनिक बाकी इनऑर्गेनिक हो गया तो भी बायोजीनस है।
लेकिन ऑर्गेनिक कंटेंट अगर 40% से ज्यादा हो गया ना तो उसको बोलेंगे ऊज बोलेंगे। और ऊज जो है ना दो तरीके का होता है, एक होता है कैलकेरियस ऊज, कैलकेरियस ऊज बोलते हैं, और एक होता है ना सिलिकेसियस ऊज होता है, सिलिसियस ऊज, ठीक है ना। अब कैलकेरियस ऊज में क्या होता है, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट का ज्यादा मतलब कि ज्यादा कंपोजिशन रहेगा, है ना। और सिलिकेसियस में क्या, सिलिकन का मतलब सिल्का वाला ज्यादा उसमें रहेगा सिलिकेसियस में। तो अब कैलकेरियस में होता है कि कैलकेरियस में कौन कौन सा ऑर्गेनिजम्स है, ये देखना चाह रहे हैं कि कैलकेरियस में कौन कौन सा ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो हमको बायोजीनस हमको देता है, तो ठीक है, तो कौन कौन सा लाइफ फॉर्म्स है। तो जैसे कि एक होता है ग्लोबिजेरिना, एक होता है ग्लोबिजेरिना, दूसरा होता है टेरोपॉड और तीसरा होता है कोकोलिथोफोर, ठीक है ना। ये सब है लाइफ फॉर्म्स है जिससे कि हमको कैलकेरियस ऊज मिलता है। ये सब अगर डेड होगा ना ओशन फ्लोर पे, और ये सब अगर डेड हो गया ना, हम क्या बता रहे हैं, हम बायोजीनस बता रहे हैं, उसमें बता रहे हैं कि बायोजीनस होता है उसमें कुछ ऑर्गेनिक कुछ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट होगा। अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट 40% से ज्यादा हो तो ऊज बोलते हैं, ठीक है ना। ऊज जो होता है दो तरीका का होता है, कैलकेरियस ऊज सिलिकेसियस ऊज। अगर मतलब कैलकेरियस ऊज होगा ना उसमें कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट ज्यादा होगा, ठीक है ना। ये तीन तरीका के ऑर्गेनिजम्स के मारने से होता है, ग्लोबिजेरिना टेरोपॉड और कोकोलिथोफोर। अब बता रहे हैं ग्लोबिजेरिना जो होता है ना कि उसमें अगर मतलब जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो अमाउंट है ना 80% से कम होता है तो इसको बोलते हैं कि ग्लोबिजेरिना है। बेसिकली जो ग्लोबिजेरिना ना जो मरते हैं ना तो 80% से कम होता है कैल्शियम कार्बोनेट उसमें। और इसमें जो टेरोपॉड होता है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और कोकोलिथोफोर होता है उसका एग्जैक्ट नहीं है कितना है, बट उसमें भी कैल्शियम कार्बोनेट का अमाउंट कुछ होता है, ठीक है ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये देखेंगे, अब ये देखेंगे कि जो ग्लोबिजेरिना जो है जिसमें 80% से कम होता है, अब हम पहले थोड़ा सा समझाते हैं कि अगर तुमको ओशन के फ्लोर पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे हमारा ये ओशन है, अब जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर गिरते जाएगा, कैल्शियम जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें घुलने का कैपेसिटी बढ़ते जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है अगर वाटर जितना टेम्परेचर कम होगा ना उतना जल्दी घुलेगा, उसमें देखते हो कभी कभी थम्स अप खोलते हो टिप्पी है, उसमें कार्बोनेटेड होता है, वो हाईली कार्बोनेटेड होता है। कार्बोनेटेड उतना ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि उसको फ्रिज में रखते हैं, ठंडा रहता है एकदम, है तो उसमें कितना गैस रहता है, हाईली उसमें प्रेशर में मतलब उसमें पैक रहता है गैस। जितना ज्यादा कोई भी चीज ठंडा रहेगा ना उतना ज्यादा उसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा, ये उसका प्रॉपर्टी है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो टेम्परेचर घटते जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुलेगा। एकदम नीचे आएंगे ना 3000-4000 पार करेंगे ना, 1000-4000 पार करेंगे ना, तो क्या होगा ना कि CO2 बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड अमाउंट में रहेगा। जब हम तुमको एटमॉस्फेयर पढ़ा रहे थे तो वहाँ पढ़ा रहे थे कि मोस्ट ऑफ द CO2 है ना अब जो हमारा ओशन में चला गया है, पढ़ाए थे एटमॉस्फेयर का ओरिजिन पढ़ा रहे थे, तो अब वहाँ से लिंक करो कि पढ़ाए थे कि जो हमको ऑक्सीजन अवेलेबल है, नाइट्रोजन अवेलेबल है, लेकिन CO2 हमारा 0.03% है। क्यों? क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द कार्बन है ना वो सी में चला गया है, क्योंकि टेम्परेचर कम रहने के कारण वो घुला हुआ रहता है। उसमें भी जैसे जैसे नीचे जाएंगे टेम्परेचर घटेगा, CO2 ज्यादा घुलेगा। अब इस कारण से जब CO2 घुलेगा तो कार्बोनिक एसिड बनाएगा कि नहीं बनाएगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनाएगा ना। अच्छा कार्बोनिक एसिड बनाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो इसको घोल देगा कि नहीं घोल देगा, एसिड घोल देगा ना। अब बताओ ये टेरिजिनस डिपोजिट, अगर ये मतलब कि ये हमको टेरोपोड जो होता है उसमें 80% से ज्यादा हमको कैल्शियम कार्बोनेट होता है तो ये ज्यादा डेप्थ में नहीं होगा अवेलेबल, क्योंकि नीचे जाएगा तो घुल जाएगा ये। कहते हैं कि टेरोपॉड जो होता है ना 1000 मीटर के तक ही होता है, 1000 मीटर से नीचे नहीं होता है टेरोपॉड। और ये जो होता है ना इसमें 80% से कम होता है, तो जनरली देखा गया है ना कि ग्लोबिजेरिना जो होता है ना अब 80% से कम होता है तो नीचे भी जाकर हल्का रह सकता है ना, उतना नहीं घुलेगा। अब कहने का मतलब है कि कोई चीज कोई डिपोजिट्स है उसमें जो घुलनशील है वो बहुत कम है तो नीचे भी जा सकता है ना। तो ग्लोबिजेरिना है ना ये देखा गया है कि जनरली 4000 मीटर तक देखा गया है ये रहता है ग्लोबिजेरिना, ठीक है ना। लेकिन ये देखा गया है कि ओवरऑल जो कैलकेरियस ऊज जो होता है ना ओवरऑल 4000 से नीचे कोई नहीं रहता है। ये जो रहता है 4000 से ऊपर रहता है, ये 1000 से ऊपर रहता है, ये भी मतलब कि 4000 से ऊपर ही रहता है सब। तो जनरली देखा गया है ना कि 4000 से नीचे ना इसको कैलकेरियस ऊज नहीं आता है, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ बोलते हैं, CCD डेप्थ को बोलते हैं,
कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, माने इस डेप्थ के नीचे मतलब कि कम नहीं आएगा, कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ बोलते हैं इसको, ठीक है ना, समझ में आ गया ना बता। दूसरा चलते हैं, दूसरा कहाँ चलते हैं, सॉरी यहाँ पे चलते हैं, सिलिकेसिया सूज में चलते हैं। अब सिलिकेसिया सूज में क्या होता है ना कि सिलिकेसिया सूज में बेसिकली क्या होगा, इसमें जो इसमें मतलब कि सिलिका का अति ज्यादा रहेगा, ज्यादा रहेगा, तो इसमें ना इसमें इसका जो लाइफ फॉर्म्स है, हम बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि कौन कौन सा लाइफ फॉर्म्स है जो किस तरह का हमको देता है डिपोजिट्स। तो अभी हम सिलिकेसिया सूज देखेंगे, तो सिलिकेसिया सूज में जो क्या है ना कि दो तरह का जो हमको, जैसे कि यहाँ पे तीन तरीके देखे ना, वहां पर दो तरह का लाइफ फॉर्म्स होता है, एक होता है डाइएटम, डायटम एक तरह से जूप्लैंकटन है, जूप्लैंकटन समझता है, अभी बताया था इसके पहले जब हम पढ़ा रहे थे, कोरल्स पढ़ा रहे थे, तो बताए थे कि प्लैंकटन क्या होता है जो कि फ्लोट करता है, और प्लैंकटन दो तरह का होता है, जूप्लैंकटन से फाइन मतलब कि एक फाइटोप्लैंकटन होता है, जू वाला हो गया, हाँ, तो ये जूप्लैंकटन होता है, ठीक है ना, एक तरह से डायटम, और दूसरा होता है रेडियो लैरियन, रेडियो लैरियन ये एक तरह से ना मतलब कि स्टार शेप का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, रेडियो लैरियन, जैसे कि होता है ना सी में कोई क्रिएचर है पाया जाता है स्टार शेप का रहता है रेडियो लैरियन, तो ये डायटम्स और रेडियो लैरियन ये दो तरह का होता है जो सिलिकेसिया सूज हमको देता है, ठीक है ना। और देखा गया है कि सिलिकेसिया सूज होता है ना मतलब कि जो हमारा जो कैलकेसिया सूज होता है ना उससे ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है ये हमारा सी सरफेस पे। और इसका जो है ना ये पूरे सिलिकेसिया सूज वो देखा गया है कि 4000 जो होता है ना 4000 मीटर उससे नीचे होता है, 4000 से ऊपर तो 4000 से नीचे तो कैलकेरियस सूज नहीं आएगा क्योंकि घुल जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा है नहीं कि घुलेगा, ऐसा कुछ है नहीं इसको घुलने उलने का ज्यादा ये प्रॉब्लम, तो ये क्या होता है ना कि 4000 से नीचे भी जाकर सेट हो जाता है ये, ठीक है ना। उसके अलावा एक होता है रेड क्ले होता है, रेड क्ले, ये रेड क्ले और रेड मड एक नहीं है, ये अलग अलग है, बता रहा है यहाँ पर रेड मड बताए थे, मड माने कि मिट्टी टाइप का घुला हुआ जो आ रहा है टेरेजिनस डिपोजिट्स है, और ये रेड क्ले है। रेड क्ले क्या होता है ना, रेड क्ले क्या होता है, ये बेसिकली तुमको ये क्ले है जो चिकनी मिट्टी टाइप का, जो जब बेट रहता है ना, भीगा हुआ रहता है ना, तो पूरा चिपचिप करेगा, अच्छा सूख जाएगा ना पूरा, ये जब सूख जाएगा तो ड्राई हो जाएगा, ये पूरा पाउडर जैसा हो जाएगा, ये ड्राई पाउडर जैसा हो जाएगा, और सूखने पर ना पूरा चिपचिपा होता है, ठीक है ना, ये पूरा चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है पूरा, ये रेड क्ले होता है। और ये देखा गया है ना जितना भी ओशन डिपॉजिट्स है ना, ओशन पूरा डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं, ओशन फ्लोर पर जितना पूरा डिपॉजिट्स है ना उसका 35% ना देखा गया है कि अकेले रेड क्ले ही रहता है, अकेले रेड क्ले ही रहता है। और रेड क्ले बेसिकली मिलता कहाँ है तुमको ओशन फ्लोर पे, ये अवेसो प्लेन देखता है, अवेसल प्लेन देखता है, अवेसल प्लेन के पास में जो अवेसल प्लेन के पास जो ट्रेंच होता है ना, ट्रेंच व्रेंच में जाके मिलेगा तुमको ये रेड मतलब कि रेड क्ले मिलता है। इसमें देखा गया कि दो तरह का, ये देखो ये बेसिकली मिक्सचर होता है, ठीक है ना, समझ लो ये बेसिकली मिक्सचर होता है, जैसे ये बता रहे हैं तुमको कि मतलब बायोजिनस माने कि तुमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रहा है या ऑर्गेनिज्म से आ रहा है, ये मिक्सचर होता है दो तरीका से, एक तो होता है जैसे कि कोई कंपाउंड होता है, जैसे कि इसमें दो तरह का कंपाउंड होता है बता देते हैं, एक सिलिकेट होता है अल्मोनिया का, एक आयरन का ऑक्साइड होता है, एक सिलिकेट्स होता है क्या चीज का अल्मोनियम का, और एक ऑक्साइड होता है क्या चीज का आयरन का, दो चीज का ये होता है। और इसके साथ साथ जैसे कि कोई फिश मर गया तो उसका टीथ वगैरह, ठीक है, या कोई और क्रिएचर है उसका बोन वगैरह, तो ये सब इसमें मिला हुआ रहता है, समझ रहे हो, ये सब इसको बोलते हैं रेड क्ले बोलते हैं इसको, ये नाम है रेड क्ले। इसमें आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, सिलिकेट्स भी होता है अल्मोनियम का, लेकिन ऐसा नहीं है रेड मड नहीं है, ये एक एक तरह का एक डिपॉजिट है जिसको बोलते हैं रेड क्ले, ठीक है ना, और कुछ ज्यादा है नहीं ये, ज्यादा मतलब कि डीप या मतलब बता दो कि एक डीप अवेसल प्लेन होता है या ट्रेंच होता है ना, वहां पे ऐसा मिलता है, ठीक है ना। उसके अलावा क्या बताएंगे, अभी दो तरह का बता चुके हैं, टेरेजिनस और बायोजिनस, समझ में आ रहा ना गौतम, हाँ। अब हाइड्रोजिनस और कोस्मोजिनस, तो हाइड्रोजिनस में कुछ यहीं पे बता देते हैं, हाइड्रोजिनस में क्या होता है, जैसे कि हाइड्रोजिनस में वाटर के थ्रू कोई डिपॉजिट हो गया, जैसे कि अगर मान लिया कि कहीं पे इवेपोरेशन बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, साल्ट बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो वहां पे साल्ट वगैरह आ जाएगा, या फिर प्रिसिपिटेशन, कहीं पे मान लिया कि हमारा कहीं पे टेक्टोनिक एक्टिव रीजन है हमारा, वहां पे मान लिया कहीं किसी तरह से वाटर अगर रिएक्ट किया वहां पे, उसमें साल्ट जो था कोई भी साल्ट वो डिपॉजिट हो गया वहां पे, तो वहां से भी प्रेसिपिटेशन के थ्रू भी आएगा, ये तो इवेपोरेशन के थ्रू आएगा, ये प्रेसिपिटेशन के थ्रू आएगा साल्ट।
और बताओ, हम बताए थे कि जैसे कि सी फ्लोर पे, सी जो होता है ओशन में, बहुत सा और भी कंपोनेंट्स रहता है, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, मैंगनीज है, ये सब भी रहता है। तो वो सब ये पता नहीं है कि किस कारण से, मतलब कहाँ से कैसे डिपॉजिट होता है और कहाँ से एग्जैक्टली आता है। बट देखा गया है कि सी फ्लोर पे जो पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स वो क्या होता है ना कि बहुत से ऐसे ऐसे मतलब कि तुमको मेटल मिलेंगे ना जो कि सी फ्लोर पे जमा मिलते हैं। सी फ्लोर पे उसको मेटालिक नोड्यूल्स मिलता है उसको, जैसे कि तुम्हारा गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेटल्स होते हैं ना, वो मिलते हैं वहाँ फ्लोर पे मिलते हैं। इसका एक्चुअली माइनिंग बहुत ही टफ है, इसका माइनिंग का प्रोसीजर बहुत ही टफ है, और टेक्निक सबके पास है नहीं, तो इसका जो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होता है ना बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन ये भी मिलते हैं, ये हाइड्रोजिनस ही है, पानी के थ्रू सरफेस ही कैसे कैसे डिपॉजिट होकर नीचे जाते हैं, एक्जैक्टली पता नहीं है कि कहाँ से जाता है, लेकिन ये वाटर का ही सोर्स है ना ये, तो ये हाइड्रोजिनस में आ जाएगा। कॉस्मोजिनस में जो जितना भी डिपॉजिट्स है ना हमारा ओशन फ्लोर पे, उसका 1% से भी कम या 1% मानो कि हमारा कॉस्मोजिनस है। वो क्या होता है, जैसे कि कोई भी मेटेराइट्स वगैरह होता है, अर्थ को हिट करता है, कहीं ओशन में हिट किया चला गया, तो जो डिपॉजिट्स होता है ना उसको बोलते हैं कॉस्मोजिनस। इसमें देखा गया है कि मेटल का टेक्टाइट्स होता है जो इसका जो मेन कंपोजिशन है और वो इसमें पाया जाता है। थोड़ा थोड़ा बस बता देना, समझ में आ गया ना, ज्यादा ये सब को ज्यादा नहीं लिखना, एक लाइन लिखना है, ये ऐसा होता है, ये मतलब ये पूरा बता दिए कि ओशन डिपॉजिट क्या होता है, क्या उसका सोर्स है, क्या टाइप है, समझ में आ रहा है, बता नहीं समझ में आएगा तो कहीं पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे जो पढ़ा है उसी के बेसिस पे देखो ना, उसी के बेसिस पे वर्टिकल पैटर्न बताते हैं, समझ में आएगा। वर्टिकल पैटर्न में क्या होगा, हम मानते हैं कि ये हमारा लैंड है, अभी इस तरह सी का फ्लोर हमको है, हम ऐसे ही बना सकते थे, ये हमारा कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, ये स्लोप है, ये बैथोप्लेन, ये इस तरह से भी हम बना सकते थे, वैसे नहीं बना, कैसे बना दिए सीधे सीधे, ये ऐसे ही तो आता है ना, इसको ऐसे बना दिए सीधे सीधे। अब यहाँ से तुमको हम क्लासीफाई करते हैं, यहां से 200 मीटर तक रहता है हमारा क्या कॉन्टिनेंटल प्लेन, तो इस जोन में जो आएगा उसको क्या बोलेंगे, टेरिजिनस डिपॉजिट, क्योंकि टेरिटरी से या लैंड से आएगा। उसके बाद 200 के बाद बताए थे बायोजिनस में बताए हैं कि ग्लोबोजिना एक टेरोपोड होता है, टेरोपोड होता है जो घुल जाता है, तो टेरोपोड होता है जब इसके लिए 1000 से ऊपर ही रहता है, तो ये 1000 से ऊपर रहेगा, ये इसको क्या बोलेंगे, टेरोपोड का डिपॉजिट रहेगा, ठीक है ना। फिर 1000 से तुमको बताए हैं कि 4000 अभी बताए हैं कि 4000 तक क्या होगा, ग्लोबोजिना आएगा, आएगा। ये दोनों को मिला के बोलते हैं क्या, कैलकेरिया सूज, ठीक है, कैलकेरिया सूज हो गया। अब 4000 से नीचे जो होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिलिशियस होते हैं, ठीक है, असिलिशियस नीचे में ही, यहीं पे कहीं सिलिशियस में ही, असिलिशियस के नीचे कहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, रेड क्ले, बताया ना अभी, अगासू प्लेन में होता है, या फिर सबसे अगासू प्लेन के नीचे स्ट्रेंज रेंज में या उसके नीचे होता है, तो वहीं पे होता है, रेड क्ले होता है, ठीक है ना। तो यह इसका हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, समझ में आ गया ना कि टेरिजिनस और बायोजिनस है, और उसके अलावा जो भी है कहां कहां मिलता, समझ में आ गया सब। उसके बाद तुमको अब हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन देखो, तो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में बनाना पड़ेगा बाबू, अगर नहीं सीखे हो अभी तक बनाना तो दिक्कत है, सीख गए बहुत बनाना सीख गया, बाद में सीखना जरूरी है, हम तो कितना बार बनाए होंगे, नोट्स बनाते बनाते ही सीख गए। हाँ बता रहे हैं, अगर जो भी देख रहे होंगे वीडियो, अगर नोट्स बना रहे होंगे तो सीख ही जाएंगे, नहीं बनाएंगे तो नहीं सीखेंगे। यहाँ पे देखोगे ना तो यहाँ पे इस तरह आता है, ऐसे ऐसे करके आता है, ऐसे आता है, हाँ, बाल्टिक सी है, हाँ। तो अगर एग्जैक्ट बनाना चाहोगे तो थोड़ा समय लगेगा, नहीं तो खींचने में तो कोई समय नहीं लगता है। इधर छोड़ देते हैं, ऐसे समझ में तो आ जाएगा ना। यहाँ पे स्टडी होगा,
ठीक है ना, हो तो गया। अब इसमें देखेंगे ना, इसमें क्या देखेंगे कि कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो अभी हम क्या बताए हैं कि रेड के लिए वहां हुआ होगा जहां पे ट्रेंच के पास पास में होगा, ठीक है। अब जब इंडियन ज्योग्राफी हम पढ़ा रहे थे तो हम तुमको बताए थे, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे तो बताए थे जापान ट्रेंच होता है, यहाँ पे बताए थे ट्रेंच, तुमको याद करो, डियामेंटिया ट्रेंच और एक जावा सुमात्रा ट्रेंच बताए थे। तो यहाँ पे बताए थे कि जावा सुमात्रा ट्रेंच है, यहाँ पे डियामेंटिया ट्रेंच है। तो इस रीजन में ना, इस रीजन में क्या होगा, रेड क्लियर होगा। हम यहाँ पे क्लासिफाई कर देंगे कि ऐसे ऐसे जो हम बना रहे हैं वो हमारा रेड क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे रेड क्लियर होगा, यहाँ बता थे मॉरिशस ट्रेंच है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ बता थे कि जहाँ मेडागास्कर है वहां पे भी एक हल्का सा एक ट्रेंच है यहाँ पे, है ना। तो ये सब इंडियन ओशन में कहाँ रेड क्लियर होगा जब पहले क्लासिफाई कर दिए। अब आ जाओ तुम पहले पैसिफिक ओशन में आ जाओ। तो पैसिफिक में तुमको पता है कि जापान के आसपास में ढेर सारा ट्रेंच है। तो मतलब कहने का मतलब है कि अगर एक चीज का बता लो, पहले जितना भी पहले रीजन है ना उसको टेरोजीनियस हम कलेक्ट पहले अलग कर देते हैं, सबसे बेस्ट तरीका है। टेरोजीनियस मतलब क्या है, लैंड के आसपास में टेरोजीनियस होगा। देखो ये जो लैंड हो गया ना, ये जो ले लो, ये ले लो पूरा, ये लैंड ले लो, देख रहा है ऐसे घूम करके इधर से लेके आ जाओ, ऐसे लेके आ जाओ ये, और यहाँ से ऐसे घुमा दो इसको नीचे से, ऐसे करके उधर कर देगा ना, इधर कर लेगा ना ऐसे हाँ। ऐसे ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है, जो पूरा व्हाइट वाला रीजन है, ये व्हाइट जो दिख रहा है ये क्या है, टेरिजिनस, ठीक है। टेरिजिनस हो गया। अब टेरिजिनस हम कर दिए हैं और रेड के लिए हम कर दिए हैं। अब रेड के लिए सिर्फ इसमें किए हैं, इसमें देखो जापान के आसपास जो भी इधर रीजन होगा उसमें बहुत सारे ट्रेंच हैं, जापान ट्रेंच, मतलब कि अलूसियन ट्रेंच, तब यहाँ पे फिलीपींस ट्रेंच, ढेर सारे ट्रेंच है, है ना। तो यहाँ पे ढेर सारे ट्रेंच ऐसे ऐसे करके बना देना, ऊपर से नीचे लेकर के, यहाँ पे जनरली ऐसे ट्रेंच है, उधर से इधर आएगा ना, तो ऐसे ऊपर में ट्रेंच बहुत ज्यादा है, उसको हल्का सा ऐसे करके ना, पतला करके नीचे से ऐसे कर देना, एग्जैक्ट बनाने को जरूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर में ढेर सारा ट्रेंच है, फिर नीचे ट्रेंच है, हल्का हल्का ट्रेंच है जहां तहां बीच में, और फिर ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन जो आएगा ना, ऑस्ट्रेलिया का जो इधर बेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया का इधर बेस्ट में, ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट में, यहाँ भी ट्रेंच आता है। अब एक ट्रेंच वाला करने थोड़ा ना बैठेंगे, दिखा देंगे, ओवरव्यू दिखाएंगे ना जनरल, कितना ट्रेंच है तो वहां पे मतलब रेड के आपको मिलता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना कि जो ये ट्रेंच दिखाए हो ना, तो उसके ऊपर में सिलिकेसियस यहाँ पे आ जाएंगे। टेरिजिनस समझ में आ गया ट्रेंच के पास में, और ये समझ में आ गया रेड क्ले, ठीक है ना। और ये जो रेड क्ले के ऊपर में आएगा ना, क्या आएगा, सिलिकेसियस समझा जाएगा यहाँ पे। और उसके बाद क्या करना है ना कि ये जो है ना सौदर्न वाला पोर्शन जो है ना, जो अंटार्कटिका वाला रीजन है, उसको अलग कर देना और उसको दिखा देना कि यहाँ पे सिलिकेसियस हो जाए, ठंडा रीजन में ऐसे ही टेम्परेचर कम रहता है, नीचे जाएगा तो टेम्परेचर लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा घुला हुआ रहेगा, वो क्या करेगा, कैल्केरियस उसको क्या करेगा, घोल देगा, समझ रहा है ना, तो कैल्केरियस उसको घोल देगा। तो इसीलिए कैल्केरियस सूज नहीं दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, सिलिसियस सूज दिखा रहे हैं, जैसे जो हो गया ना सिलिसियस सूज हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको अपने सिलिसियस सूज दिखा देना, और यहाँ पे दिखाया हो इसके ऊपर में हल्का सा इधर सिलिसियस सूज दिखा देना माउथ में सबसे ऊपर, ठीक है। अब बाकी जो बच गया इंडियन ओशन का, ये सब पांच बच गया, ये पूरा अटलांटिक का बच गया, और ये इधर बच गया जो भी, तो ये क्या हो गया, कैल्केसियस हो गया, इसमें ग्लोबेज रीना टेरो पावर्ड को जो का सब आ जाएगा। अलग अलग क्लासिफाई नहीं किए हैं, बुक में तीन चार जगह और अलग क्लासिफाई किया, उसमें फंस जाओगे, उसमें बना नहीं पाओगे। तो ये हम जनरलाइज कर दिए हैं, इसमें हमारा रेड क्ले भी हो गया, टेरिजिनस भी हो गया, सिलिकेसियस हो गया, कैल्केसियस हो गया, सारा हम कर दिए हैं, ठीक है ना। अब देखो इस डायग्राम में तुम देखो तो खुद बना सकते हो कैसे, जितना भी बाउंड्री है ना सबको बाउंड्री को पहले अलग कर देना, वो टेरिजिनस हो जाएगा, ठीक है। जहां जहां ट्रेंच है, अच्छा पैसिफिक ओशन में भी कुछ देखोगे ना, यहाँ तो ट्रेंच बनाया नहीं, पैसिफिक ओशन में देखोगे ना तो दो तीन जगह ट्रेंच यहाँ पे है, सेंट्रल जो सेंट्रल अमेरिका है ना, यहाँ पे ट्रेंच है, और ब्राजील के देखोगे ना, ब्राजील के ईस्ट में यहाँ पे हल्का सा ट्रेंच है, ऐसे ऐसे करके तो दिखा देना,
उसके बाद यहाँ जो है ना, यहाँ पे जो जहाँ ये जो पोस्ट असर होता है यहाँ पे, यहाँ पे इस तरह से दिखेगा यहाँ पे, और दो पेज बना देना चाहता हूँ हल्का हल्का, वो कोई फास्ट रूम नहीं है। और यहाँ पे सेंटर में करके ईस्ट में, इसका वेस्ट में भी यहाँ पे इस तरह से दिखा देना। तो जहाँ जहाँ पे इसका लिए अगर ट्रेंच याद है तो दो तीन में बन जाएगा, लेकिन ट्रेंच याद नहीं तो भी इंडियन 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 में तो बन ही जाएगा ना, यहाँ पे तो बन ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ट्रेंच है। यहाँ दो तीन जगह दिखा देना तो टेरिट जीनस बन जाएगा लैंड के बाउंड्री के आसपास में, ठीक है ना। ट्रेन जो रहेगा वहाँ पे तुमको क्या रेड क्लियर बन जाएगा, जहाँ वो ज़्यादा ठंडा रीजन है, मैंने इधर का ऊपर पैसिफिक के ऊपर में और पैसिफिक के नीचे में, और यहाँ पैसिफिक ऊपर में या पैसिफिक के नीचे में या पूरे नीचे में, ये तो दिखा देना कि क्या है। और बाकी जो स्पेस बच गया उसमें फिल कर देना क्या स्लेसेस हो। थोड़ा सा टफ था समझ सकते हैं, बट ये आई होप कि समझ में आ गया होगा, सारा समझ में आ गया ना बोलता। तो दोस्तों हौसला बढ़ाते रहिए मेरा, मैं आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा, और मैं मुझे ये फर्क नहीं पड़ता दोस्तों कि मतलब अगर आप पांच लोग भी अगर देख रहे हैं ना, आप एक लोग भी देख रहे हैं ना, तो मैं उतना ही डेडिकेशन से वीडियो लाऊंगा जो रखे ऑप्शन होगा। अब मैं इस बार खत्म करके रहूँगा, ये मैं प्रॉमिस लिया हूँ। बस लगता है कि कुछ ऐसा कोई डिजास्टर ना हो जाए, ऐसा कुछ इशू ना हो जाए मेरे साथ कि मतलब कि मैं किसी कारण से रुकना पड़ जाए। बस मतलब ऐसे में मेरा पूरा हार्ड डिटर्मिनेशन है इस बार कि मैं वीडियो ला के ही रहूँगा। अगर आप 1% भी अगर आप देख रहे हैं ना, एक लोग भी अगर देख रहे हैं ना, तो बस आप बस वही हैं जो कि मुझे मतलब आप सपोर्ट कीजिए, आप वही हैं जो मुझे बस हिम्मत बढ़ाइए, मैं आपकी वीडियो लाऊँगा और पूरा जो आप कंप्लीट कराऊँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ।